वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। But the United States is committed. We've made a commitment. We support the one China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean, that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. So we stand firmly with Japan. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस बयान का मतलब है, यदि चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। जो बाइडेन ने यह बयान जापान में आयोजित क्वाड समिट से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान दिया है। उन्होंने चीन का नाम लेते हुए सीधे सीधे कहा है कि यदि ताइवान पर चीन हमला करता है तो फिर अमेरिका उसका जवाब देगा। उन्होंने कहा कि ऐसा होने की स्थिति में अमेरिका की ओर से ताइवान को सैन्य मदद दी जाएगी। यही नहीं, उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि चीन खतरे से खेलने का प्रयास कर रहा है। बाइडेन ने आगे कहा कि ये हमारा कमिटमेंट है कि ताइवान की रक्षा करेंगे। वन चाइना पॉलिसी को लेकर सहमत हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र पर यदि चीन की ओर से जबरन कब्जा किया जाता है तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। 1949 गृहयुद्ध के बाद अलग हो गया था ताइवान। साल 1949 में गृहयुद्ध के दौरान ताइवान और चीन अलग हो गए थे, लेकिन चीन इस द्वीप पर अपना कब्जा करता रहा है। नतीजतन बीजिंग ताइवान सरकार की हर कार्यवाही का विरोध करता है और ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश की तरह देखता है। हालांकि चीन हमेशा चाहता है कि ताइवान पर राजनीतिक दबाव बनाकर ताइवान पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन ऐसा करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद डर है कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन युद्ध का रास्ता न अपना ले। चीन ने अमेरिका को धमकाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को डर था कि कहीं रूस यूक्रेन के युद्ध का फायदा उठाकर चीन ताइवान पर कब्जा न कर ले। इसे ध्यान में रखते हुए कुछ महीने पहले उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग की और इसके फौरन बाद अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट और फॉरेन मिनिस्ट्री का एक हाई लेवल डेलीगेशन ताइवान की राजधानी ताइपेई रवाना कर दिया था, जिसके बाद बौखलाए हुए चीन ने अमेरिका को धमकी दी थी और कहा था कि अमेरिका आग से खेलने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो खुद ही जल जाएगा। ताइवान में घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा है चीन। बता दें कि चीन की ओर ताइवान में घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं। ये घुसपैठ ज्यादातर ताइवान के दक्षिण पश्चिम में हवाई क्षेत्र में होती हैं। इसे एड्स यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन कहते हैं। साथ ही इस मसले पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स पर बताइए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।